हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों एक्चुअली मैंने सुबह वीडियो बनाया था भाई, एक दो दिन के अंदर जो है एडमिट कार्ड आ जाएंगे, क्योंकि बिहार के, हिमाचल के, पंजाब के, हरियाणा के, बहुत अलग अलग स्टेट के बच्चे DTU के एग्ज़ाम देने के लिए उनको टेंशन हो रही थी कि 11 तारीख को यार एडमिट, मतलब 8 तारीख हो गई है और 11 तारीख को यानी मंडे, सोमवार को एग्ज़ाम है और अभी तक एडमिट कार्ड का कुछ पता नहीं है क्या होगा कैसे होगा। तो बेटे वेबसाइट पे मैं एक अपडेट दे रहा हूँ, अगर आप अपने घर से नहीं निकले तो बेटे बिल्कुल मत निकलो। डेट DTU लेटरल एंट्री की जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है बेटे। आप अभी, अगर किसी बच्चे ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो वो फॉर्म बिल्कुल भर सकता है बेटे। हम यहाँ पर आपको लेटरल एंट्री की पल पल की खबरें, दिल्ली की, बिहार की, हरियाणा की, PU की, IPU की, वो देते रहते हैं बेटे। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज प्रेजेंट टू एक्सटेंड द डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर बीटेक लेटर एंट्री एडमिशन अप टू 17/7/2022। 5 तारीख को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए थे बेटे। 6 तारीख को काफी सारे बच्चे कह रहे थे मेरे को DTU लीड का फॉर्म भरना है सर, भर नहीं पा रहा। तो बेटे ये दोबारा चांस है, अगर 96 सीट है तो इन्होंने दोबारा यहां पर अपना ब्रोशर भी दिया है। अपने इनके ब्रोशर्स में आप जाके देख सकते हैं, इनका एडमिशन पोर्टल का लिंक भी है। मैंने वैसे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है आपको बीटेक लेटरल एंट्री के लिए, देखिए बिल्कुल एक्टिव हो गया लिंक दोबारा से, पहले यहाँ पे एक्टिव नहीं था। यहाँ पे भी लिखा आ रहा है बीटेक लेटरल एंट्री रजिस्ट्रेशन लिंक, लास्ट डेट एक्सटेंडेड टिल 17/7/2022। तो 17 जुलाई तक आपको और टाइम दिया गया है। और सर पेपर कब होगा? पेपर की डेट बेटे 22, मेरे हिसाब से 21 जुलाई या 22 जुलाई रखी गई है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, पेपर की डेट 21 जुलाई है, सॉरी बेटे। और आपकी जो रिजल्ट है वो 23 जुलाई को आ रहा होगा, और फर्स्ट राउंड जो एडमिशन की काउंसलिंग है वो 29 जुलाई को है। उसके बाद डिस्प्ले वैकेंट सीट 1 अगस्त को दिखाएंगे, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग आफ्टर वैकेंट सीट के बाद 5 अगस्त को होगा। तो जो बच्चों को लग रहा है कि यार SC ST OBC की सीटें हैं, इसमें जनरल की सीट तो नहीं है, तो बेटे जब SC ST OBC वाले कैंडिडेट अपनी सीट पे नहीं आ पाते तो वो सीट बाद में जनरल कैंडिडेट की में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि आपको यहाँ पे 1 अगस्त को जो डिस्प्ले में दिखाई देंगी। तो बहुत चांसेस हैं 5 अगस्त को वो सीट्स आपको मिलने की। उसके बाद भी अगर कोई सीट खाली रहती है तो 8 को, और स्पोर्ट राउंड रखा हुआ है, अगर कोई सीट अवेलेबल रहेगी तो। प्रोफेसर जे पांडा जी इनके चेयरमैन है बीटेक लेटरल एंट्री एडमिशन के लिए, लास्ट टाइम भी वही थे बेटे, इस बार भी वही हैं। बाकी इसको DTU की वेबसाइट पे, DTU की एडमिशन सेल पे, हर जगह अपडेट कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है शायद आपके पास मेल भी आ गए हों, मेरे इस वीडियो को बनाने से पहले आपके पास मेल भी आ गए हों। बेटे थोड़ा सा मैं भी बिजी रहता हूँ। बाकी आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि GCC लास्ट लास्ट 12 साल से बेटे हम लीट एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं। तो जो 2023 बैच के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए हमने ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड और बैच जो हैं वो शुरू कर दिए हैं। तो वो बच्चे पोस्टल कोर्स, स्टडी मटेरियल, वो सब बच्चे आज की डेट से बिल्कुल इसमें जाके, एडमिशन पे जाके, एनरोल नाउ पे जाके वो ले सकते हैं। ऑफलाइन के लिए अलग है, ऑनलाइन के लिए अलग है, मतलब बैच का एनरोलमेंट तो आपको अलग अलग ही जाके करना है। और कोई डाउट है तो आपको ऊपर दिए हुए नंबर पे जाके व्हाट्सअप करना है, कॉल करना है, आपको डेफिनेटली हमारे जो टीम है वो बता रही होगी। GCC की ये ऐप है जहाँ पे हम DTU लीट का फ्री मॉक टेस्ट बिल्कुल DTU के स्टाइल का लेंगे। पहले प्लान ये था कि कल और परसों होगा, लेकिन अब उसको डेट क्योंकि पोस्टपोन हो गई है तो हम भी अपना ये पोस्टपोन कर देंगे। ठीक 1 हफ्ता पहले, मतलब एग्जाम अगर आपका 21 है तो उसके 1 हफ्ता पहले यानी 14-15 तारीख को, 14 तारीख को मैं आके आपको अपडेट दे रहा हूँगा बेटे, कहाँ पे जाके आपको ये टेस्ट, फ्री टेस्ट, मॉक टेस्ट मिलेंगे। CUET की बेटे अभी तक कोई अपडेट आई नहीं है तो CUET की अपडेट मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। स्लाइट का भी 17 तारीख को पेपर है, लेकिन उसका एडमिट कार्ड मैंने बोला था 10 तक आएगा। DTU का मैंने आपको बता दिया कि डेट हो गई एक्सटेंड, तो DTU लीट की डेट फॉर्म फिल करने की भी एक्सटेंड हो गई है, और पेपर की डेट भी 11 जुलाई की बजाय अब आपको 10-12 दिन और दे दिए गए हैं। मेहनत करो खूब मन लगा के, ठीक है। कोई भी कैटेगरी का बच्चा है,
अगर उसको हमसे कोई हेल्प चाहिए तो भैया नीचे नंबर दिए हुए हैं, ऊपर नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करना, आपको डेफिनेटली हम हेल्प कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। शब अगेर, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहना अपने आप को फिट रहने के लिए। अपने आप को फिट रखने के लिए आपको दिन में 3-4 किलोमीटर डेली दौड़ना है बेटे। DTU लीड का इतिहास उठा के देख लेना, एवरी ईयर 2 से 3 बच्चे 4 बच्चे GCC के हर साल हम भेजते हैं DTU में। ठीक है बेटे, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शब अगेर।